सिर्फ 2.5 लाख रुपया में आप इनोवा गाड़ी ले सकते हैं। 2013 की होंडा सिटी VMT मॉडल सिर्फ 2,05,000 में। 2010 की ओमनी वैन 8 सीटर लाइफ टाइम टैक्स सिर्फ 1,30,000। 2012 की पोलो 22 टैक्स सिर्फ 1,99,000 में, डीजल वेरिएंट गाड़ी है। सो है गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू वन मोर ब्लॉग ऑफ कैलकटा ट्यूब। मैं हूँ शोभुज। आशा करते आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, राइट? सो कोरोना का टाइम है, फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कोरोना। प्लीज़ टेक अ प्रोटेक्शन, प्लीज़ यूज़ मास्क। सो मैं फिर से आ चुका हूँ कहाँ पे, टंटना, आई एम बैक टू मोटो हब। सो मोटो हब का क्या स्पेशलिटी है, जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा। अंडर वन रूफ प्राइवेट गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी और उबेर का ऑनबोर्डिंग, सब कुछ मोटो हब में होता है। यस, बाकी जितना सारा डीलरशिप में मैं जाता हूँ, सब में प्राइवेट गाड़ियाँ ही दिखाता हूँ, राइट? बट मोटो हब में प्राइवेट गाड़ी तो मिलेगा ही, साथ में कमर्शियल गाड़ी मिलेगा। और साथ में आपके पास एक कमर्शियल गाड़ी है, बाइक भी है, स्कूटर भी है या नहीं है, आप इधर से गाड़ी खरीद के भी उबेर के साथ अटैच कर सकते हो। पूरा प्रोसेस 30 मिनट के अंदर ख़त्म होता है। यस, फ्लॉलेसली पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए मिलाते हैं आपको विद द प्रॉप राइटर ऑफ मोटो हब। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर दीपक, द प्रॉप राइटर ऑफ मोटो हब। दीपक जी, कैसे हैं आप? स्वस्थ और मस्त। सो दीपक जी, मैं देख पा रहा हूँ उबेर समर फेस्ट डेट दिया हुआ है 2 मई तक, ये क्या है? ये 100 लकी पार्टनर को कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, जो वीक में मिनिमम 50 ट्रिप करेंगे। ओके, उनका रेटिंग अगर 4.8 से ऊपर रहेगा, okay. राइडर कंप्लेन नहीं रहेगा, तो वो ये गिफ्ट जो दिखाया जा रहा है वो मिल सकता है। सो गिफ्ट क्या क्या है? स्मार्टफोन है, ब्लूटूथ ईयरफोन है, प्लस वाउचर्स है, और भी बहुत सारे गिफ्ट है उसमें। प्राइवेट गाड़ी तो आप दिखाओगे ही, हमेशा दिखाते हो, साथ में कमर्शियल गाड़ी भी दिखाओगे, राइट? सो कमर्शियल गाड़ी प्लस उबेर का ऑन बोर्डिंग, इसके बारे में मेरा दर्शकों को कुछ बताइए आप। अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है या उबर गाड़ी, उनके पास है गाड़ी ऑलरेडी, गाड़ी है कमर्शियल गाड़ी, लेके उबर में अटैच करके आप उबर में कमाना शुरू कर सकते हैं, या स्कूटर बाइक भी होने से होगा, बाइक भी होने से होगा। उबर में बाइक का भी एक प्रोडक्ट है, मोटो बोलते हैं हम लोग, राइट? दो किसी के पास बाइक हो, स्कूटी हो, उबर में अटैच करके चलाना शुरू कर सकते हैं। किसी के पास गाड़ी नहीं है, हम लोग के पास गाड़ी अवेलेबल भी है, वो हम लोग से बाइक खरीद के अटैच करके चलाना शुरू कर सकते हैं। और गाड़ी तो हर रेंज का गाड़ी होगा, राइट? मेरे पास सब रेंज का गाड़ी है, 1 लाख का भी गाड़ी है, 1.5 लाख का भी है, 3 लाख का भी है, जिसको जो चाहिए, कमर्शियल गाड़ी है, राइट? और एक चीज़ बताइए, कोई प्राइवेट कस्टमर कमर्शियल गाड़ी तो काफ़ी सस्ता में आएगा, राइट? आपके पास तो कोई प्राइवेट कस्टमर कमर्शियल गाड़ी लेना चाहता है आपसे, वो भी पॉसिबल है? पॉसिबल है, कमर्शियल गाड़ी लेके आप प्राइवेट यूज भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से टैक्स का एक ये है, एवरी ईयर नॉर्मल टैक्स आता है, 3 मंथ का टैक्स 2,240 रुपया के अराउंड आता है। ओके ओके, और उसको क्या कमर्शियल से प्राइवेट भी हो सकता है? हो सकता है, 5 ईयर के बाद, 5 साल बाद हो सकता है, जब परमिट रिन्यूअल का टाइम आएगा उस टाइम आप कमर्शियल से प्राइवेट कर सकते हैं। ओके, और आपके पास गाड़ी कोई सेल करना चाहता है, मेनली कमर्शियल गाड़ी, वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? हम लोग एक्सचेंज में भी गाड़ी लेते हैं, फाइनेंस भी कराते हैं, फिनेंस भी हो जाता है, फिनेंस शुरू हो चुका है, फाइनेंस हो रहा है 17-18 की गाड़ी पे। ओके, 17-18 के गाड़ी के ऊपर फिनेंस होगा, बट मुझे याद है 17-18 का गाड़ी भी आपके इधर 1,60,000-70,000 में आता था। मेरे पास गाड़ी का वही रेंज है, 17-18 की गाड़ी आपको देंगे 170, 80, 90, बिलो 2 लैक्स।
माने मिनिमम मेरे पास छोड़ के स्विफ्ट डिजायर गाड़ी छोड़ के ओके बाकी जो गाड़ी है सब वही बजट की है 20-30-40 हज़ार का डाउन पेमेंट में हो जाएगा बाकी फंक्शन। सो दोस्तों बात ज़्यादा नहीं करेंगे, मुझे पता है आपको देखना है गाड़ी और ज़्यादा माने इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इंक्वायरी आपको करना है तो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का गाड़ी का सफ़र। सो दोस्तों एक छोटा सा स्टॉक जस्ट एज ए एग्जाम्पल मैं आपको आज दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो लाइन लगा के ऑल्टो है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, काफ़ी सारा और भी गाड़ी है, इधर सिडान गाड़ी है पूरा का पूरा कमर्शियल है। सो जैसे कि देख पा रहे हो इधर डिज़ायर का गाड़ी, चार चार डिज़ायर लगाया गया है और दीपक जी भी आ चुका है, और ये कौन सा फोर्ड, ये फोर्ड की फोर्ड एस्पायर 2017 की गाड़ी है, 17 का गाड़ी। सो अभी डिटेलिंग पे आ जाएंगे एक एक करके एक एक गाड़ी का। 2017 की गाड़ी है, इसका बॉडी में थोड़ा बहुत डेंट पेंट का काम है करवा देंगे मैं। ओके मैकेनिकल कोई काम नहीं है गाड़ी में, एसी वगैरह कोई काम नहीं है, जो बॉडी का हो कमर्शियल में तो होगा ही बॉडी का, वो डेंट पेंट का काम रहता है वो हम लोग जब कस्टमर को डिलीवर करते हैं हम लोग काम करवाते फुल रेडी करके आप दोगे। फैंटास्टिक, मैकेनिकल कोई काम नहीं है गाड़ी में, 17 की गाड़ी है, इसका प्राइस होगा 1,50,000, 1.5 लाख। सो जो प्राइस आप वीडियो में कोट करोगे हर एक प्राइस का नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, स्पेशली जो कैलकुलेटर ट्यूब देख के आएगा चैनल के थ्रू आएंगे थोड़ा बहुत होगा। याद रखना 1.5 लाख का प्राइसिंग में फोर्ड एस्पायर। तो नया शेप पे मैं देख पा रहा हूँ, 2018 की गाड़ी है नया शेप। ओके कितना किलोमीटर चला है ये, 50-55,000 के राउंड चली हुई है। ओके टायर वगैरह पूरा एकदम न्यू है गाड़ी में, मैकेनिकल डेंट पेंट कोई काम नहीं है। ओके अब गाड़ी लीजिए, 10 मिनट में अटैच करके ऊपर में चलाना शुरू कर सकते हैं, लेके 10 से 15 मिनट लगता है हम लोग को। देखिए और भी 50% टाइम कम हो गया है। सो प्राइसिंग पे आ जाएंगे, इसका प्राइस होगा 3,50,000, 3,50,000 बिकॉज एकदम मैं देख पा रहा हूँ कमर्शियल गाड़ी है फिर भी एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन पे है। कमर्शियल गाड़ी ये कंडीशन में मार्केट में आपको मिलेगी नहीं। मिलेगा ही नहीं, वही मैं देख रहा था। इसका इंटीरियर देखिए एक्सटीरियर देखिए कोई काम नहीं है। फैंटास्टिक, 3.5 लाख भी सस्ता है सर इस कंडीशन में। 2018 का प्राइस 7 लाख के अबव है। और 2018 का गाड़ी आप बोले, 18 अगस्त की गाड़ी है, अगस्त का गाड़ी है। तो जितना सारा गाड़ी है आपका जो जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का गतिधारा स्कीम पे आता है, नहीं, ये कोई गतिधारा गाड़ी नहीं है, नॉर्मल स्कीम। मतलब आपका गाड़ी जो आप रखते हो गतिधारा का भी गाड़ी रखते हो या नॉन गतिधारा? सब नॉर्मल गाड़ी है। सो नॉन गतिधारा का गाड़ी ही इधर ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है? ये भी एक पॉइंट था, मैं सोचा जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं। सो और एक डिजायर 2017 की गाड़ी है। ओके इसका भी पेपर सब अप टू डेट है, गाड़ी मैकेनिकल बहुत ही अच्छी गाड़ी है। ओके इसका प्राइस होगा 3,35,000, 3,35,000 और इसका कितना किलोमीटर है? 17 की गाड़ी है, ऑप्शनल है, इसका कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम पावर विंडोज आता है। ओके ओके कितना किलोमीटर चला होगा? 70-75,000 अराउंड चली हुई है, 70-75,000, ठीक है। और भी ज़्यादा कलेक्शन है इनके पास, तो जैसा आपका बजट है बजट के हिसाब से आप फिट कर दोगे, राइट? गाड़ी मेरे पास हर एक ब्रांड की है, होंडा की भी है, टोयोटा की भी है, टाटा भी है, हुंडई भी है, मारुति भी है, आपको जो गाड़ी का रिक्वायरमेंट है आप बोलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और डिजायर भी 2 लाख के नीचे मिल जाएगा? जी ये तो 15 की एग्जांपल होगा, राइट? ये 15 की गाड़ी है, फैंटास्टिक, ये भी बहुत ही अच्छी मेंटेन की हुई गाड़ी है, इसका भी मैकेनिकल डेंट पेंट का कोई काम नहीं है। ओके इसका पेपर में थोड़ा सा काम है, हम लोग जिसको भी देंगे अपडेट करा के दे देंगे। ओके इसका पेपर अपडेट करके इसका प्राइस होगा 1,90,000, 1,90,000। देखिए 2015 का है, डिजायर है, टैक्स इंश्योरेंस सब कुछ अपडेट करके आप 1,90,000 में दे देंगे। फैंटास्टिक, वो भी प्राइस, एवरी प्राइस इज स्लाइटली नेगोशिएबल, फोन करके प्लीज नेगोशिएट मत कीजिए, आइए गाड़ी देखिए प्राइस हम लोग थोड़ा बहुत कर देंगे। फैंटास्टिक। सो दोस्तों अभी टाटा का, टाटा तो हमेशा फेमस है मैंने कमर्शियल गाड़ी के लिए, अभी टाटा जेस्ट गाड़ी काफ़ी डिमांड है, अभी इसका डिजायर गाड़ी और जेस्ट गाड़ी का काफ़ी डिमांड है। जेस्ट मेरे पास और भी है, 18th की भी गाड़ी है, 17th की भी और गाड़ी है, हम एक गाड़ी आपको दिखा दे रहे हैं। ओके ये 2017 की गाड़ी है, इसका भी CF 2 साल का किया हुआ है, इंश्योरेंस भी किया हुआ है, टैक्स भी अपडेट है, इस गाड़ी का मैकेनिकल भी कोई काम नहीं है, पेपर भी सब अपडेट है, इसका प्राइस होगा 1,85,000। कौन सा साल का बताया? ये 2017 की गाड़ी है। सो बाकी जो दो जेस्ट है ना,
दो डिफरेंट ईयर्स का, उसका भी प्राइसिंग थोड़ा प्राइस 10-20 हज़ार का डिफरेंस है। 1,80,000, 90,000, 2 लाख, 2 लाख बीस, इसी रेंज में गाड़ी आपको, मतलब 2 लाख के आसपास ही है सब कुछ। 10-20 हज़ार अप एंड डाउन होगा पेपर का देख के। तो सिडान गाड़ी हम लोग फोर्ड का देख चुके हैं, डिजायर देख चुके हैं, टाटा का जेस्ट, आइए हुंडई की गाड़ी दिखाते हैं आपको। सो फोर्ड, मारुति, टाटा के बाद हुंडई, हुंडई क्यों बाकी रहेगा, एक्सेंट हुंडई की भी गाड़ी है मेरे पास। ये हुंडई एक्सेंट गाड़ी है, 17 की डीजल वेरिएंट है। इसका 2 साल का इंश्योरेंस, टैक्स, सीएफ सब कुछ करके आपको देंगे 1,50,000 में। 2023 तक सीएफ, 1 साल इंश्योरेंस, टैक्स, सब कुछ, पॉल्यूशन, कुछ खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। डेंट पेंट का काम है, ये सब हम करा दोगे। ये गाड़ी कल ही आई है मेरे पास, रेडी हुई नहीं है, इसको रेडी करवा के आपको दे देंगे। और एक्सेंट और भी आएगा, एक्सेंट और भी है मेरे पास। कितना है? और 2-3 एक्सेंट है, उसका भी 17-18 की गाड़ी है, इसी रेंज में आपको मिल जाएगी, इसी रेंज पे 150-160। और क्या बोले, विजिट तो एक बार बनता ही है, राइट? एक बार आंखों से चेक करके जाइए। आई थिंक जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी बहुतों का चला गया है, दिस इज द राइट टाइम, खुद कुछ शुरू कीजिए, राइट? कोरोना भी होगा या लॉकडाउन भी होगा, टैक्सी हमेशा चलते रहेगा, टैक्सी को कोई बंद नहीं करेगा, राइट? सो टैक्सी इज वन ऑफ द यू नो रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल आज के डेट पे। तो सोए मत रहिए, कुछ कीजिए। आपका बिजनेस भी है, कुछ भी आप कर रहे हो, फिर भी आप कर सकते हो, ड्राइवर रख के आप अटैच करा सकते हो कहीं पे भी, राइट? ड्राइवर रख के चलवा सकते हैं उबर ओला, राइट राइट राइट। सो सिडान के बाद छोटा हैचबैक, वो भी मारुति ऑल्टो 800। एक ऑल्टो गाड़ी का काफ़ी डिमांड रहता है अदर स्टेट में, मणिपुर और लोकल भी काफ़ी डिमांड है ये गाड़ी का, वो लोग भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। डीजल का माइलेज देता है ऑल्टो, पेट्रोल तो गाड़ी, मेंटेनेंस कम है, छोटी गाड़ी है। ये 2018 की गाड़ी है, LXi फ्रंट टू पावर विंडो आता है इसमें, पेट्रोल गाड़ी है, अच्छी कंडीशन है गाड़ी की, मैकेनिकल डेंट पेंट इसमें भी कोई काम नहीं है। इसका प्राइस होगा 1,35,000। 1,35,000 LXi, कौन सा साल का बताया? 2018 की गाड़ी है, सिर्फ 3 साल पुराना, 1,35,000 जी। 1,35,000 पावर स्टीयरिंग के साथ, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ओके। तो अभी सेम 2018 की गाड़ी है, इसमें भी कोई काम नहीं है, है मेरे ख्याल से ना, LXi है, LXi है, LXi है, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ मिलेगा आपको। इसका ही प्राइस होगा 1,35,000। और क्या चाहिए, 1,35,000। सो और एक 3 नंबर ऑल्टो, ये भी 2017 की गाड़ी है, सेम वेरिएंट है, इसका भी सेम प्राइस होगा 1,35,000। तो ये तो 17 का है, वो तो 18 का था, इसका पेपर थोड़ा अप टू डेट है, ओके। थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं होगा आपका चैनल के थ्रू आएंगे उसके लिए हो जाएगा, हो जाएगा। सो ये भी एक है कस्टमर गाड़ी है, सेम कार है, वो भी 2018 की गाड़ी है, ओके। प्राइस सेम है उसका भी। तो काफी सारा ऑल्टो स्टॉक में है अभी, और भी ऑल्टो 2-3 है मेरे पास, ओके। योन भी है, ओके, योन का थोड़ा सा बोल दीजिए। योन भी 2017 की है, 18 की है, ओके। योन का प्राइस थोड़ा सा ऑल्टो से ज्यादा होगा, 1,50,000-1,60,000 के अराउंड योन गाड़ी भी आपको मिल जाएगी, 1,50,000-1,60,000 में। योन 2017-18 का, 2017-18-19 का कितना प्राइस होगा? 19 का 1,80,000 के अराउंड होगा, 1,80,000 होता है। आपके पास तो छोटा हाथी भी है ना? छोटा हाथी है, पिकअप वैन है। सो इनका और एक पार्किंग है जहाँ पे छोटा हाथी, छोटा छोटा है, पिकअप वैन, काफी सब कुछ है, 10-12 चक्का ट्रक भी मिल जाएगा। तो पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्या, अभी ये खत्म होने के बाद, तो उसका भी डिटेलिंग थोड़ा बोल दीजिए, प्राइसिंग, कौन सा ईयर का, अलग अलग ईयर का। 2012 की गाड़ी है, 14 की है, 15 की है, 18, अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या होता है? छोटा हाथी आपको 12-13 की 1,00,000-1,20,000 इस रेंज में मिल जाएगी, ओके। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पिकअप वैन मिल जाएगी आपको 13-14 की, 2.5 लाख के रेंज में, 2.5 लाख बोलेरो पिकअप गाड़ी मिल जाएगा पूरा। तो अभी कॉमर्शियल गाड़ी तो आपको दिखा चुके हैं, इट वॉज जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला। अभी चलेंगे नॉन कॉमर्शियल, यस, प्राइवेट गाड़ी देखने में। टोयोटा इनोवा, द 8-सीटर बेस्ट MPV, बहुत डिमांड है टोयोटा इनोवा का, डिमांड गाड़ी, और ये एकदम पानी का भाव में आज गाड़ी आएगा, पानी का भाव में।
ये 2006 की गाड़ी है, लाइफ टाइम टैक्स है। गाड़ी फुल ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, चार टायर भी इसका एकदम न्यू टायर लगा हुआ है, बैटरी भी नया है। गाड़ी में मैकेनिकल कोई काम नहीं है। जो भी कस्टमर का गाड़ी था, गाड़ी काफ़ी मेंटेन करके रखा था। इसका प्राइस होगा 2,49,000। कितना? 2,49,000। आप ठीक ही सुने हो, 2.5 लाख से भी नीचे। 8 सीटर गाड़ी है, डबल एसी है, लाइफ टाइम टैक्स के साथ। मतलब इनोवा का टैक्स अराउंड 1 लाख रुपया का आता है, पूरा 1 लाख रुपया जिंदगी भर के लिए सेव। सीएफ का क्या है? इसका सीएफ फेल है, हम सीएफ अपडेट कर देंगे। आप कर दोगे? हम अपडेट उसी प्राइस में, सेम प्राइस में। विन विन सिचुएशन गाइस, विन विन डील। 2.5 लाख के नीचे 2,49,000 में 8 सीटर इनोवा। गाड़ी का सर्विस हिस्ट्री भी अवेलेबल है, आप टॉपसिल टोयोटा से आप सर्विस हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं। बस और कुछ नहीं है चाहिए, आइसिंग ऑन द केक हो गया। होंडा सिटी, ये होंडा सिटी 2013 की VMT मॉडल गाड़ी है। ये प्रेस रिपोर्टर की गाड़ी थी, कम चली हुई गाड़ी है, टायर वगैरह भी एकदम पूरा फ्रेश है, डेंट पेंट का कोई काम नहीं है। मैकेनिकल भी गाड़ी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, कंपनी मेंटेन की हुई गाड़ी है, इसकी सर्विस हिस्ट्री भी अवेलेबल है। इसकी रोड टैक्स फेल है 18 से। ओके, एज इट इज कंडीशन में गाड़ी का प्राइस होगा 2,05,000 रुपये, एकदम फिक्स प्राइस है। 2,05,000 फिक्स प्राइस है, कोई नेगोशिएबल नहीं होगा। देखिए 2,12,000 का गाड़ी 22 तक टैक्स दे के 4,00,000, 4.5 लाख में भी सेल हो रहा है। 13 की गाड़ी है। हाँ, 13 की गाड़ी है। 2,05,000 मान लेते हैं कि 60,000-65,000 टैक्स है, ठीक है, लेके टैक्स भी आप दोगे तो मेरे ख्याल से फिर भी आप मिनिमम 80,000 रुपीस सेव हो जाएगा। 70,000 के अराउंड इसकी टैक्स होगी। गवर्नमेंट 1 या 2 महीने के अंदर टैक्स का एक डिस्काउंट देगा, वो होने वाला है। 2 साल पहले भी हुआ था, हर साल होता है। हाँ, तो अभी आने वाला है ये इलेक्शन के बाद। एक पेनल्टी अगर वेव अप हो जाएगा तो इसका टैक्स आएगा अराउंड 45,000 के अराउंड। देखिए, तो आई थिंक दिस इज अ विन विन डील। 2,05,000 में अपना बनाइए, पूरा टैक्स भी आप पे करोगे, फिर भी विन विन सिचुएशन है। 70,000-80,000 आप सेव कर सकते हो। 7 सीटर ओमनी, सस्ता और टिकाऊ गाड़ी। ये ओमनी गाड़ी 8 सीटर गाड़ी है, 2010 की गाड़ी, लाइफ टाइम टैक्स है। गाड़ी ओरिजिनल पेंट में गाड़ी है, टायर वगैरह एकदम न्यू टायर है, बैटरी भी नया है, गाड़ी में कोई काम नहीं है। इसका प्राइस होगा 1,30,000। 1,30,000 ओमनी 2010 का, लाइफ टाइम टैक्स के साथ। और एक मेरे पास ओमनी है 2018 की गाड़ी है। ओके, वो भी ब्लू कलर की गाड़ी है, 8 सीटर। ओके, 9,000 अराउंड गाड़ी चली हुई है, वो गाड़ी मंडे ट्यूजडे मेरे पास आ जाएगी। तो उसका प्राइसिंग क्या होगा? उसका प्राइस होगा 1,90,000। 1,90,000 90,000 18 की गाड़ी। सो 2018 का गाड़ी 9,000 किलोमीटर चला हुआ है, 2 लाख के नीचे। फैंटास्टिक। सो चमचमाता हुआ व्हाइट कलर में फॉक्सवैगन का पोलो। ये 2012 की गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है। इसका रोड टैक्स 2022 तक है, इंश्योरेंस भी 2022 तक है। कौन सा वेरिएंट है? ट्रेंड लाइन है। 2012 का 22 तक टैक्स है, डीजल गाड़ी है, 2,20,000। 2,20,000 तो बोलिए आप, एक धमाका वाला प्राइस दे दीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट मेरा सब्सक्राइबर के लिए। चैनल के थ्रू जो आएंगे उसके लिए 1,99,000। स्ट्रेट का 21,000 का डिस्काउंट। 2012 का 22 तक टैक्स, इंश्योरेंस भी वैलिड। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। डीजल गाड़ी है। कंपनी मेंटेन की हुई गाड़ी है, इसकी सर्विस हिस्ट्री भी अवेलेबल है। 1,99,000 में पोलो, पूरा मार्केट ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। इसमें एक्स्ट्रा अलॉय व्हील सब फिटिंग है। अलॉय है? अलॉय व्हील है।